हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बैंक ऑफ इंडिया में जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है जॉब वैकेंसी, उसके डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोगों को जो कि अप्लाई करने के तरीका आप लोगों को समझ आएगा। तो दोस्तों, पहले आपको क्या करना होगा, जॉब बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल जो पेज है आपको यहाँ पे आना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इस पेज में आ सकते हैं। इस पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट आप लोगों को मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट या जॉब वैकेंसी मिल जाएगा, जिसके लिए वन बाय वन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट निकला है उसके बाद मैं उसका डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ और क्या क्या यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उसका भी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, फर्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ आईटी कंसल्टेंट, एंड उसके बाद है एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी एट खंडवा RSETI, एंड उसके बाद यहाँ पे है एंगेजमेंट ऑफ वन फैकल्टी एंड वन ऑफिस असिस्टेंट एट हरद्वाई एंड उन्नाव RSETI। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट जो पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ एंड आईटी कंसल्टेंट, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पोस्ट के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है आपको भेज सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ आईटी कंसल्टेंट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ आईटी कंसल्टेंट फॉर वन पोस्ट रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव नेशनल बैंक द लेवल डिप्यूटी जनरल मैनेजर एंड अबव आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 13 नवंबर 2018। तो दोस्तों, एप्लीकेशन के जो आपको एप्लीकेशन इसका करना होगा ऑनलाइन में जाके, इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो ऑफिशियल जो एडवर्टाइज्ड है उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो डिटेल है मैं उसका वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल के एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पे ओपन हो गया है, उसका डिटेल मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट है आईटी कंसल्टेंट एंड एलिजिबिलिटी, जो लोग यहाँ पे कौन एलिजिबिलिटी एलिजिबल होंगे उसके लिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चाहिए था रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव और नेशनलाइज बैंक एट द लेवल ऑफ डिप्टी जनरल मैनेजर एंड अबव हैविंग रिक्वेस्टिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन टू फाइनेंस 10x। एज ऑफ एप्लीकेशन एग्जैक्टली 55 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते, और इसके साथ साथ इसका सैलरी जो रहेगा 75,000 पर मंथ आपका यहाँ पे सैलरी रहेगा। तो दोस्तों, लास्ट डेट है जो कि यहाँ पे आपका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन है 13 नवंबर 2018, और इसके पहले आपको यहाँ पे जो कि अप्लाई करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन में जाके आपको एप्लीकेशन करना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसके साथ साथ कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, कोई भी आपको रिटर्न एग्ज़ाम भी आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू आपका जो एप्लीकेशन आपका जो जॉब है आपको मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपका जो एज लिमिट की बात करते हैं यहाँ पे 65 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में और भी बहुत सारे जो भी पोस्ट निकला हुआ है आप वन बाय वन आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, आज जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल करेंगे उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बैंक ऑफ इंडिया के यही पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।